मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस। दिस वीडियो इज फॉर क्लास फोर्थ, सब्जेक्ट इज इंग्लिश रीडर। बेटा, टिल नाउ वी हैव कंप्लीटेड चैप्टर 1, 2 एंड पोएम 1। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 3। ओके, सो गेट रेडी क्विक, टेक आउट योर बुक एंड ओपन चैप्टर 3। सी बेटा, इट इज चैप्टर 3। चैप्टर 3 नेम इज विंटर्स टेल। व्हाट इज द नेम ऑफ चैप्टर 3? विंटर्स टेल, विंटर्स की कहानी। विंटर बेटा एक नेम है, टेल मीन्स कहानी, स्टोरी होती है, टेल स्टोरी होती है। ठीक है, स्टोरी और टेल दोनों सिनोनिम है एक दूसरे के। वार्म अप एक्सरसाइज कर लेते हैं। आंसर अ क्विज ऑन एनिमल, एनिमल पर एक क्विज है, उसका आपको आंसर देना है। ठीक है, व्हाट इज द फियर ऑफ स्पाइडर्स कॉल्ड? स्पाइडर से जो हमें डर लगता है उसको क्या बोलते हैं? वो होता है बेटा आर्कनोफोबिया। क्या बोलते हैं उसको? आर्कनोफोबिया। ठीक है, विच एनिमल कैन सर्वाइव ऑन अ डाइट दैट्स 99% बैम्बू? बैम्बू की डाइट पर ही डिपेंड करता है, वो होते हैं पंडास। ठीक है, विच इज द फास्टेस्ट एनिमल ऑन लैंड? लैंड का सबसे फास्टेस्ट एनिमल कौन सा है? चीता। विच एनिमल कैन लिव अ लाइफ टाइम विदाउट वाटर? बिना पानी के कौन सा एनिमल रह सकता है? कंगारू एंड रैट। ओके, रीड करते हैं चैप्टर। विंटर्स स्टोरी हैज इंस्पायर्ड मिलियंस ऑफ पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड। एवरी डे स्कोर्स ऑफ विजिटर्स आर वेलकम्ड टू क्लियर वाटर मैराइन एक्वेरियम। Among them are those who have similar tales. Winter's story, यानी विंटर की कहानी ने has inspired, प्रेरित किया है millions of people, बहुत सारे लोगों को all over the world, पूरे संसार में, every day, प्रत्येक दिन, scores of visitors. Scores of visitors means बहुत सारे लोग, यानी बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में दर्शक आर welcomed, उनका वेलकम किया जाता है टू क्लियर वाटर मैराइन एक्वेरियम। ये नेम है बेटा, क्लियर वाटर मैराइन एक्वेरियम। एक्वेरियम जहाँ पर फिशेस को रखा जाता है उसे एक्वेरियम बोलते हैं। अमंग देम आर दोज हु हैव सिमिलर टेल्स, और अमंग देम ज़्यादातर उनमें से ऐसे होते हैं जिनकी सेम कहानी होती है, जैसे विंटर की स्टोरी हम पढ़ेंगे ना उसी की जैसी कहानी होती है, वैसे होते हैं उनमें से। एट फर्स्ट, सबसे पहले ऑफिशियल्स एट द क्लियर वाटर मैराइन एक्वेरियम, यानी वहाँ के जो ऑफिशियल्स यानी ऑफिसर जो थे वहाँ के क्लियर वाटर मैराइन के, ऑन द गल्फ कोस्ट ऑफ फ्लोरिडा। ये फ्लोरिडा के गल्फ कोस्ट पर थी, ये एक्वेरियम जो था वो फ्लोरिडा के गल्फ कोस्ट पर था। कोस्ट मीन्स होता किनारा। ठीक है, यूएसए, यूएसए में थी। थॉट केविन कैरोल्स कॉल वॉज प्रैंक। केविन कॉरल्स, कैरोल्स नेम है, तो उन्होंने क्या सोचा, वहाँ के जो ऑफिसर्स थे ऑफिशियली, उन्होंने ये सोचा कि जो केविन ने कॉल किया है वो क्या है? प्रैंक है, एक मजाक है। कैरोल सेड, कैरोल ने कहा था, ही हैड हर्ड, उसने सुना है ऑन द रेडियो, रेडियो पर, अबाउट द इंजर्ड डॉल्फिन, जो घायल डॉल्फिन है उसके बारे में उसने रेडियो पर सुना है, दैट वॉज रेस्क्यूड फ्रॉम अ क्रैब ट्रैप, जो कि जिसको कि बचाया गया था, रेस्क्यू मीन्स होता है बचाया गया था, फ्रॉम अ क्रैब ट्रैप। ट्रैप एक क्रैब यानी होते केकड़ा, ट्रैप यानी उसके जाल से उसे बचाया गया था। ही वॉन्टेड टू सी, वह देखना चाहता था, इफ ही कुड बुल्ड द एनिमल अ प्रोस्थेटिक टेल, यानी भाई ये देखना चाहता था कि क्या वह बना सकता है एनिमल, एक एनिमल की अप्रोस्थेटिक, प्रोस्थेटिक होता है बेटा आर्टिफिशियल बॉडी पार्ट, टेल टू रिप्लेस द वन दैट हैड बीन एम्प्यूटेटेड, यानी वह क्या सोच रहा था, क्या चाह रहा था कि वह उसे देखना चाहता है कि क्या वह बना सकता है जो काट कर, एम्प्यूटेटेड यानी काट कर, किसी भी अंग को काट कर अलग करना, तो जो अंग उसका काट कर अलग किया गया यानी उसकी जो टेल है, उसकी जो पूछ है वो अलग कर दी गई है, क्या वो इसे प्रोस्थेटिक से क्या कर सकता है, रिप्लेस कर सकता है, यानी क्या वह कोई कृत्रिम अंग डॉल्फिन के लिए
बना सकता है, जो उसका अंग काटकर अलग कर दिया गया है वैसा अंग बना सकता है क्या, ये देखना चाहता था वो। कैरोल हु इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग प्रोस्थेटिस्ट, कैरोल जो कि सबसे पूरा वर्ल्ड फेमस यानी पूरे लीडिंग यानी सबसे आगे प्रोस्थेटिक्स है कृत्रिम अंग बनाने वाला, कन्विंस्ड द डॉल्फिन्स केयर टेकर्स, उसने मनाया डॉल्फिन्स के जो केयर टेकर्स थे जो उसकी देखभाल करते थे उनको उसने मनाया कन्विंस किया, ऑफ हिज एबिलिटीज अपनी योग्यता के लिए योग्यताओं के लिए, एंड ड्रोव फ्रॉम ऑरलैंडो टू मीट विद देम दैट डे, और वो इसे ड्राइव करके गया ऑरलैंडो से टू मीट विद देम उनसे मिलने दैट डे यानी उस दिन। ओके नाउ टर्न द पेज द नेक्स्ट व्हाट हैपेंड द थ्री मंथ ओल्ड डॉल्फिन, 3 महीने की डॉल्फिन नेम्ड विंटर, जिसका कि नेम क्या था विंटर था, बिकॉज शी वॉज फाउंड, क्योंकि वह मिली थी ऑन अ पर्टिकुलरली कोल्ड दिसंबर डे इन 2005, क्योंकि एक पर्टिकुलर यानी विशेष दिन मिली थी दिसंबर में इन 2005 में। इमीडिएटली स्टोल कैरोल्स हार्ट, तुरंत ही उसने कैरोल के हृदय को यानी दिल को चुरा लिया, इन टाइम समय में शी वुड स्टील हार्ट्स अराउंड द वर्ल्ड, और कुछ ही समय में शी वुड स्टील वह चुरा लेगी हार्ट्स अराउंड द वर्ल्ड, पूरे जो संसार के लोग थे उनका हृदय वह कुछ ही समय में चुरा लेगी, एंड इंस्पायर्ड और इंस्पायर करेगी द 2011 मूवी डॉल्फिन टेल, यानी 2011 की जो मूवी थी डॉल्फिन टेल उसमें वह क्या करेगी इंस्पायर करेगी, इन विच जिसमें कि शी प्लेज उसने प्ले किया है हर सेल्फ एक रोल। तो 2011 की जो मूवी थी डॉल्फिन टेल उसमें वह इंस्पायर करेगी, इन विच शी प्लेज हर सेल्फ उसने खुद ने प्ले किया है, इट ऑल्सो स्टार्ड ए टॉप हॉलीवुड एक्टर्स लाइक मॉर्गन फ्रीमैन एंड एस्ले जड, और इसने उनको भी इट ऑल्सो यानी वर्क किया है स्टार की तरह, जैसे टॉप एक्टर है ना जैसे कि मॉर्गन फ्रीमैन ये बेटा हॉलीवुड के एक्टर हैं, इनकी तरह उसने एक्टिंग की है स्टारेड यानी एक्टिंग की है तारांकित किया है। ठीक है बेटा, कैरोल रिकॉल्स हिज फर्स्ट मीटिंग विद द बॉटल नोज डॉल्फिन, कैरोल रिकॉल्स यानी याद करता है हिज फर्स्ट मीटिंग अपनी पहली मुलाकात विद द बॉटल नोज, बॉटल नोज मतलब बोतल के आकार की उसकी नोज है ये देखो बोतल की जैसी डॉल्फिन, बॉटल नोज डॉल्फिन को वो या उसकी पहली मुलाकात को याद करता है। ऑब्वियसली विंटर वॉज वेरी सिक एंड बैडली इंजर्ड, वास्तव में जो विंटर थी वो बहुत बीमार थी एंड बैडली इंजर्ड और बुरी तरीके से घायल थी, एंड और द पीपल एट द एक्वेरियम वर हार्ट ब्रोकन, और जो एक्वेरियम के लोग थे वो हार्ट ब्रोकन थे यानी बिल्कुल उनके अंदर इमोशनलेस थे, दे वर जस्ट इनक्रेडिबल विद हर, उसके साथ वह अविश्वसनीय इनक्रेडिबल यानी अविश्वसनीय तौर से व्यवहार करते थे, वर्किंग राउंड द क्लॉक का मतलब 24 घंटे वो काम करती रहती, देयर वॉज नेवर अ मोमेंट, कोई भी ऐसा मोमेंट नहीं था दैट विंटर वॉज विदाउट ह्यूमन कॉन्टैक्ट, कि विंटर बिना ह्यूमन कॉन्टैक्ट यानी कोई ना कोई उसे देखने हमेशा आता रहता, दे वर नाउ हर अडोप्टेड फैमिली, अब वो क्या थे उसकी अडोप्टेड फैमिली थे यानी उसी में वह अनुकूलित हो गई थी, उसने अपने आप को अनुकूल कर लिया था उसके अकॉर्डिंग। ठीक है बच्चों, कैरोल गॉट इन टच विद हिज कली, कैरोल वो है केबिन कैरोल, ठीक है तो कैरोल अपने कलीग यानी सहपाठी के टच में आया, डैन जिसका नेम क्या था डैन हु हैपन टू लिव नियर वाइन फ्लोरिडा, जो कि फ्लोरिडा के पास में ही कहीं रहता था, द टू ऑफ देम जो दोनों थे क्विकली थ्रू देम सेल्फ इन टू अ प्रोजेक्ट, यानी जल्दी से उन्होंने काम करना विद इंटरेस्ट यानी इंटरेस्ट के साथ उन्होंने काम करना शुरू कर दिया, दे हैड बिल्ट प्रोस्थेटिक्स फॉर बर्ड्स हॉर्सेस
एंड डॉग्स बिफोर बट नेवर अ डॉल्फिन। उन्होंने पहले बनाए थे प्रोस्थेटिक्स यानी आर्टिफिशियल बॉडी पार्ट्स उन्होंने बनाए थे। किस किस के लिए बनाए थे? बर्ड्स के लिए, हॉर्सेस के लिए, डॉग्स के लिए, लेकिन कभी पहले डॉल्फिन के लिए नहीं बनाया था। ओके बेटा, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम।